हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं कलश गोयल आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है स्टूडेंट्स, जिसके बारे में हम आपके साथ बात करने वाले हैं। वो आता है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करने में ऐसी क्या रुकावटें आती हैं, क्या बाधाएँ आती हैं, जो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में से स्किप नहीं करना है, आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सभी न्यू अपडेट्स चैनल से रिलेटेड डेली मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले हमारे जो बैरियर्स हैं, बैरियर्स के अंडर में सबसे पहला पॉइंट आता है सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, जो हमारे नॉर्मली आ जाते हैं, जैसे हमारे पर्सनल बिहेवियर से रिलेटेड हो गए, या किस कोई कैसा बिहेव कर रहा है, ट्रांसलेशन कैसी हो रही है, किसी मैसेज में क्या बोला जा रहा है, उसको सही तरीके से नहीं समझा जा रहा, तो समझने में किसी भी तरीके की भूल चूक या कुछ भी, वो हमारे सिमेंटिक बैरियर्स में आते हैं। सबसे पहला इसका जो बैरियर होता है वो ये होता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस। जैसे कोई भी मैसेज किसी पर्सन को बोला जा रहा है, कोई भी अदर पर्सन किसी भी पर्सन को कोई मैसेज दे रहा है, और वो मैसेज अगर वो सही तरीके से नहीं दे पा रहा, यानी उसको मैसेज तो ये देना है कि ऑर्गेनाइजेशन कल टाइम से, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन में कल टाइम से आना है, लेकिन आपने टाइम परफेक्टली बताया ही नहीं, आपने अपने मैसेज को सही से एक्सप्रेस ही नहीं किया, तो वो क्या बन जाएगा, आपके कम्युनिकेशन का एक बैरियर बन जाएगा, आपके लिए एक रुकावट बन जाएगी कि सामने वाले पर्सन को आपकी बात समझ में नहीं आई। ठीक है, अगर आप किसी भी मैसेज को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके मैसेज का सबसे पहला बैरियर बन जाता है, सबसे पहली रुकावट बन जाता है। ठीक है, सेकेंड बात की जा रही है फॉल्टी ट्रांसलेट की। अब सामने वाले पर्सन ने, बोलने वाले ने मैसेज तो सही बोला, एक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज़ को मैसेज सही दिया, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने मैसेज को ट्रांसलेट गलत तरीके से कर लिया, है ना। ऐसा हो सकता है कि मैनेजर ने जो बात बोली, अब हो सकता है कि मैनेजर इंग्लिश में बोल रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, अब जब एम्प्लॉयज़ ने उसको ट्रांसलेट हिंदी में किया तो वो कुछ और ही ट्रांसलेशन हो गया, तो वो हो जाता है फॉल्टी ट्रांसलेशन, जो कि एक बिजनेस कम्युनिकेशन में एक बैरियर बनकर रह जाता है, जो कि एक रुकावट बन जाती है कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में। देन बॉडी लैंग्वेज। अब सपोज कीजिए एक मैनेजर जो है वो बातचीत कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, कोई मैसेज दे रहा है या कुछ भी बोल रहा है, तो वो मजाक में तो बोल रहा है, लेकिन उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि वो गुस्से में है, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाती है। अब सपोज कीजिए आपको किसी पर्सन को बिल्कुल आराम से कुछ समझाना है, लेकिन आपके फेस से ऐसा लग रहा है कि आप गुस्से में हैं, तो वो पर्सन आपकी बात समझेगा नहीं और ज़्यादा आपसे नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर आ रही है कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, आपने मैसेज को सही तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं किया और बॉडी लैंग्वेज आपने गलत यूज़ की है, तो आपका एक सिमेंटिक बैरियर आपके लिए एक रुकावट बन जाती है। देन अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ भी अनक्लैरिफाई हो गया है। अब सपोज कीजिए अब ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर ने कहा था किसी एम्प्लॉय को कि टेक केयर ऑफ गुड्स, इतनी लाइन बोली है कि टेक केयर ऑफ गुड्स, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ये समझ लिया कि मैनेजर ने ये बोला है कि गुड्स का ध्यान रखना, सही तरीके से रखना, लेकिन मैनेजर का जो कहने का मतलब ये था, वो मतलब उनका था कि जो क्वालिटी गुड्स की होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, उसका ध्यान रखना, गुड्स की क्वालिटी का ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो रहा है, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन आ रही है, हमने कुछ भी मान लिया, सामने वाले पर्सन ने बोला कुछ और है और हमने अपने आप से उस मैसेज को कुछ भी मान लिया, तो वो भी हमारे लिए एक रुकावट, एक बाधा बन जाती है कम्युनिकेशन के लैंग्वेज में। देन आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स आते हैं, साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं, उसमें सबसे पहला है प्री मेच्योर इवेल्यूएशन। किसी की भी बात सुने बिना हम पहले से ही कुछ भी मान लें, सामने वाला पर्सन क्या बोलने वाला है हमने उसकी पूरी बात को भी नहीं सुना, हम पहले से ही सोचने लगे हाँ आज ये काम करने वाला है। अब सपोज कीजिए अब मैनेजर जो है वो कंपनी में आ किस लिए रहा है कि वो हमें बोनस देगा, लेकिन हमने पहले से ही सोच लिया कि ऐसा हो सकता है कि आज नहीं है किसी भी एम्प्लॉय को निकाल दे, तो वो वाली बात नहीं होनी से होनी चाहिए। अगर कोई मैसेज दिया जा रहा है तो अपने पहले से ही आप अजम्पशंस मत लगाइए, पहले आप मैसेज को सुनिए तो सही, आप उसको पूरे तरीके से तो सुनिए, इनकम्प्लीट मैसेज हमेशा सही नहीं होता। देन लेक ऑफ अटेंशन, अगर आप किसी पर्सनल पर्सन किसी भी पर्सन के सामने बैठे हैं और वो आपको कोई मैसेज दे रहा है और आप उस मैसेज को ध्यान से नहीं सुन रहे, आप उसमें अटेंशन ही नहीं दिखा रहे, आपका ध्यान ही नहीं है सुनने में, सामने वाला पर्सन बोल कहीं और रहा है और आप देख कहीं और रहे हैं, आप कुछ सुन ही नहीं रहे, तो वो क्या हो जाता है, आपकी अटेंशन नहीं है, आपने मैसेज को जब सही तरीके से सुना ही नहीं तो वो मैसेज सही कैसे हो सकता है। तो लेक ऑफ अटेंशन की वजह से भी एक बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है कम्युनिकेशन में। देन आता है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट मतलब भरोसा ना होना। अब एक मैनेजर पर अगर एम्प्लॉयज़ को भरोसा नहीं होगा तो
तो वो उसके बात को कुछ भी समझ लेंगे, वो जो भी बात बोलेगा उनको गलत ही लगेगी, क्योंकि जहाँ भरोसा नहीं होता वहाँ बात भी गलत समझी जाती है। तो डिस्ट्रस्ट वाली जहाँ बात आ जाती है वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट बनकर एक कम्युनिकेशन के सामने आती है। देन पुअर रिटेंशन, कि जो मैसेज आप तक पहुँच रहा है स्टार्टिंग लेवल से, टॉप लेवल से जो लोअर लेवल तक मैसेज आ रहा है, वो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, अब मैसेज आते 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 कुछ ना कुछ उसमें घट जाता है। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बोला कि कल ऑर्गेनाइजेशन का टाइम 7 o'clock रहेगा, अब दूसरे पर्सन ने आगे मैसेज पहुंचाया कि कल टाइम 7 o'clock रहेगा, अब क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्ड्स उसमें से कटते जा रहे हैं, तो मैसेज पूरा नहीं होगा, जिससे कि वो एक बहुत बड़ी क्या बन जाएगी, रुकावट बन जाएगी। देन हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, एक ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू कैसे आ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात जो होगी वो लोअर लेवल मैनेजमेंट तक नहीं जाएगी, तो क्या होगा कि लोअर लेवल मैनेजमेंट अपना कोई भी सजेशन नहीं दे पाएगा, जो कि कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगी, बिजनेस में लॉस होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज कुछ ऐसी होती हैं जिसमें टॉप लेवल की बात टॉप लेवल तक ही रोकी जाती है, जिससे कि एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हो जाता है। देन रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि जो बात बोली जा रही है वो गुप्त रखी जाए, होता है ना कि इसको सीक्रेसी में रखना। अब कुछ बात ऐसी है जो सीक्रेसी में नहीं रख सकते, कुछ बातों को सबका पता होना ज़रूरी है, सबको पता होना चाहिए, तो वही बात यहाँ पर आती है कि सीक्रेसी हर जगह काम नहीं आती है, तो कोई भी ऐसी सीक्रेसी एक बैरियर निकल कर एक रुकावट निकल कर सामने आ जाती है। देन स्टेटस डिफरेंस, अब क्या है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, लोअर लेवल तक अपनी बात पहुँचाते ही नहीं है, या पहुंचाते भी हैं तो कुछ अधूरा मैसेज पहुंचाते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, जो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा बैरियर निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि वो क्या समझते हैं कि टॉप लेवल की बात है, हम क्यों लोअर लेवल तक इस बात को पहुंचाएं। तो ये बात यहाँ पर आ रही है कि स्टेटस डिफरेंस की वजह से, क्योंकि उनका स्टेटस उससे कम है इसलिए वो बात सही तरीके से नहीं पहुँच पाती। देन नो कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस ना हो, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही सही नहीं है, तो पर्सनल बेसिस पर अगर ये देखा जाए कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो मैसेज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें ये नहीं पता है कि क्या मैसेज बोले जाने वाला है, और मैसेज हमसे रिलेटेड है या नहीं है, हम उस मैसेज को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है। देन लेक ऑफ इंसेंटिव, अब क्या होता है, कोई भी पर्सन किसी भी बात पर सजेशन तब देता है जब उस सजेशन के बदले में उनको कुछ रिवॉर्ड दिया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी कोई सजेशन अगर दे रहा है तो रिवॉर्ड नहीं देते, ज़रूरी कोई है कि कोई भी बात हो रही है तो उस पर रिवॉर्ड दिया जाए, तो क्या होना चाहिए कि इंसेंटिव के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। अब कभी ऐसा हो जाए कि लेक ऑफ इंसेंटिव हो, कहीं रिवॉर्ड ना दिया जाए, तो एम्प्लॉयज़ अपना सजेशन नहीं देते या बात सही से नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन बात का जवाब नहीं दे पाते, अपने फीडबैक्स नहीं देते, तो वहाँ एक बहुत बड़ा बैरियर निकल कर सामने आता है। जैसे हमने अभी कॉन्फिडेंस में बताया है कि एक पर्सन ने किसी सामने वाले पर्सन को कोई बात बोली, अब उस बंदे ने बात तो सुन ली लेकिन अपनी बात कहने का उसके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो वो क्या बन जाता है, कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है कि उस पर्सन ने बात तो बोली है लेकिन हम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसकी बात का जवाब दे सकें। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, इंसेंटिव ज़रूरी नहीं कि हमें मिलना है, तो लेक ऑफ इंसेंटिव की वजह से कभी कभी जब रिवॉर्ड नहीं मिलते तो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, वो अपनी बात सामने नहीं रखते, वो क्या सोचते हैं कि जब हमें कुछ मिलना ही नहीं है तो हम क्यों फालतू बोलें, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कोई भी एडवाइस देने की, वही बात यहाँ पर आ रही है। तो ये एक बहुत बड़े बैरियर होता है। देन फियर ऑफ अथॉरिटी, जब अथॉरिटीज़ का डर हो, जब हमें ये डर हो कि हमारी अथॉरिटी जो है वो कम हो जाएगी, जैसे इंप्लॉयज़ क्या करते हैं, या मेन सबॉर्डिनेट्स या सुपीरियर्स की बात ले लीजिए, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ये बात पूरी इन लोगों को बताएंगे तो क्या होगा कि हमारी अथॉरिटी कम हो जाएगी, हमारी अथॉरिटी हमसे छिन जाएगी। तो वही बात यहाँ पर आती है कि जब अथॉरिटी की चिंता हो, जब हमें ये डर हो कि हमारी अथॉरिटीज हमसे ले ली जाएंगी, तो हम बात को पूरा नहीं कर पाते, जिससे कि कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर निकल कर सामने आ जाता है, जो कि कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी रुकावट है। तो अब तक हमने बात की है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, तो इनमें बैडली एक्सप्रेस मैसेज आया, सिमेंटिक बैरियर्स हैं कुछ कि हमने ट्रांसलेट सही से नहीं किया, या हमने बॉडी लैंग्वेज सही नहीं दिखाई, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस थी, सही अजम्पशंस ही नहीं लगाई, या बैडली एक्सप्रेस मैसेज, हमने मैसेज को सही से बोला ही नहीं, वो वाली बात आ रही है सिमेंटिक। देन साइकोलॉजिकल क्या है कि पहले से ही हमने इवैल्यूएशन लगा लिया, या हम किसी की बात को सुन ही नहीं रहे, हमारी साइकोलॉजी ऐसी बन गई। अब क्या होता है कि इंसान की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि कभी कभी किसी की बात अच्छी लगती है तो सुनते हैं, नहीं अच्छी लगती है तो नहीं सुनना है। तो वही बात यहाँ पर आती है कि लैक ऑफ अटेंशन आ गया है। डिस्ट्रस्ट, हम किसी पर्सन पर भरोसा नहीं करते तो हम उसकी बात सुनेंगे भी नहीं। पुअर रिटेंशन, बात आते आते बीच में से
आदि गायब हो जाती है। किसी की बात तो हम पूरी पहुंचा देते हैं और किसी की बात पूरी नहीं पहुंच पाती। देन ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पर, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज की वजह से टॉप लेवल से लोअर लेवल तक कोई बात नहीं पहुंच रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि लोअर लेवल अपने सजेशन नहीं दे पाएगा। देन रूल्स और रेगुलेशंस, क्या रूल्स लगने वाले हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स की वजह से भी कभी कोई बात क्लियर नहीं हो पाती। देन स्टेटस डिफरेंस क्या है, कि टॉप लेवल लोअर लेवल से मेल नहीं खाता, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को कोई बात नहीं बताते, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन के बेसिस पर एक बैरियर बन जाता है। नो कॉन्फिडेंस, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अपने अंदर भरोसा ही नहीं है कि हाँ मैं इस बात का जवाब दे सकता हूँ, तो वो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से एक बैरियर बन जाता है कि वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाते। लेक ऑफ इंसेंटिव, अगर बदले में कोई रिवॉर्ड ना दिया जाए तो लोग बात अपना कोई भी सजेशन नहीं देते, तो जो कम्युनिकेशन के लिए एक बैरियर है। फियर ऑफ अथॉरिटी, हमें ये डर रहता है कि कहीं हमारी अथॉरिटीज हमसे ना छिन जाए, इस वजह से हम अपनी बात सामने नहीं रख पाते, जो कि एक कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रुकावट निकल कर सामने आती है। तो अब तक जो टॉपिक्स हमने आपके सामने रखे हैं, जिन टॉपिक्स को हमने आपको बताया है, अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे आपके एक नए टॉपिक के साथ और एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।